नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं प्रजवासी गर्ल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसको आप घर पे इजीली बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा आपका कुछ भी इसमें नहीं लगेगा और जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छे देगा। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको खुद देखेगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। अब आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है दोस्तों? जो डार्क सर्कल्स हैं या आपको झाइयाँ हो रही हैं, फाइन लाइन बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल इतना अच्छा रहा नहीं है। इसके साथ ही डेड सेल्स स्किन पर जमने लगते हैं, ग्लो नहीं रहता है, डल पड़ने लगती है स्किन। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है दोस्तों, आप अपनी स्किन केयर में विटामिन सी और विटामिन ए जरूर यूज़ करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे घर पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट की बहुत ही महंगी महंगी क्रीमें भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो बहुत से लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाजर में, जो कि इस सीज़न में तो सभी के घरों में इजीली मिल ही जाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको लेनी है 3 से 4 गाजर। उनको आपको या तो मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है, धोने के बाद में उसका छिलका निकाल करके पीस लेना है, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, आपके लिए ईजी हो। बस हमें इसके जूस की ज़रूरत है दोस्तों, वो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसका जूस लेना है निकाल करके। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो जितना जूस आपने लिया है उतना ही आपको पानी इसमें मिक्स करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप प्योर जूस भी ले सकते हो। अगर आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करते हो तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको आइस क्यूब बना करके इस्तेमाल करना है। अपने फ्रिज में आप रखेंगे, 1 से 1.5 घंटे में इसकी आइस क्यूब बन जाएगी। अब बात करते हैं इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। जब आप फेस वॉश कर लेंगे तो फिर नाइट में इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है। और विटामिन ए और विटामिन सी को आपको सनलाइट में यूज़ नहीं करना होता है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही मिलेंगे। नाइट में ही यूज़ करना, अपने फेस को वॉश करने के बाद में इसको लगा लेना है। एक पूरी आइस क्यूब को अपने चेहरे पर आपको एक बार में लगाना ही है, और लगाने के बाद में आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपकी स्किन में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद में आप अपनी कोई भी सीरम या नाइट क्रीम लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी दोस्तों। आपकी स्किन का कोलेजन ये बढ़ा देती है, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर हैं तो फिर वो चली जाएंगी, ठीक होने लगेंगी धीरे धीरे। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को माइल्ड फीलिंग भी देगी, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ आपके डेड जो सेल्स जमा हो गए हैं स्किन पर, जिससे आपकी स्किन अच्छी नहीं लगती है, ग्लो नहीं रहता है, तो वो भी धीरे धीरे कम होंगे। ब्लैक एंड वाइट हेड्स तो वो भी कम होंगे, क्योंकि विटामिन ए का काम ही यही होता है। गाजरों को आप इस तरीके से लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। खाइए भी और लगाइए भी, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इन सर्दियों में इससे बेटर कुछ भी नहीं है। ईजिली आपके घरों में अवेलेबल भी हो जाएंगी और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो। किसी भी उम्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल यूज़ करिए। इससे आपको जो बड़े पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, आपकी स्किन टाइट भी होने लगेगी। और जब आपकी स्किन टाइट होगी तो उस पर ना तो ओपन पोर्स रहेंगे, ना ब्लैक एंड वाइट हेड्स होंगे, ना ही पिंपल्स होंगे, और ग्लो तो दिन ब दिन आपकी स्किन का बढ़ेगा ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।